नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार न्यूज़। आपको बता दें, आज भुपानी के कृषि विज्ञान केंद्र में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दूं कि किसान मोर्चे से जिला अध्यक्ष सुखबीर मलेना समेत वहां के डायरेक्टर विजय जी और तमाम पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस बल से SHO साहब ने और एडिशनल SHO ने आकर पौधारोपण किया और साथ ही में उन लोगों को सम्मानित किया जो कि किसान है, जो जिनको 75 वर्ष हो गए हैं। 75वें आज़ादी के इस महोत्सव में बाइक रैली निकाल कर, आप देखें कितने उत्साह से बाइक रैली निकाल कर सभी ने इस आज़ादी के महोत्सव को कितने शानदार तरीके से मनाया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर और सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा सुखबीर मलेना वहाँ के डायरेक्टर ने। मेरे किसान भाइयों को, युवाओं को प्रेरित करेंगे कि भाई झंडे का जो इतिहास रहा है उसका मान सम्मान बढ़ाया जाए, 75वां अमृत महोत्सव किस तरह मनाया जाए और जो हमारा एक जुनून की तरह होना चाहिए और हम सब लोग इसका झंडे को 13, 14, 15 तारीख है उसको बड़े अच्छी तरह से बड़े सम्मान के साथ अपने हर घर में, अपनी हर घर के परिसर में इसको लहराएँ जो भी है, और देश की स्वतंत्रता अच्छे से मनाएँ। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इस रैली के दौरान खाली रैली ही नहीं, इसके साथ साथ हमें कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में इन सभी किसानों के द्वारा और माननीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं सुखबीर मलेना जी और उनकी टीम जो अलग अलग खेड़ी मंडल और जो है तिगांव और फरीदाबाद से आए हुए हैं, सभी ने पौधारोपण किया है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने जो आसपास घरों में और जो खाली ज़मीन है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और देश को एक जो है प्रदूषण जलवायु मुक्त बनाने का भी काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुद्ध वायु मिल सके। और इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र आप लोगों के सबके साथ है। जो भी वैज्ञानिक तकनीकी आपको चाहिए पौधा लगाने की, पौधा कहाँ से मिलेगा तो कुछ लिमिटेशन होती है, आगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पीछे भी खड़े रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ज़िले के कुछ जो 75 साल से पूरे, क्योंकि देश का अभी हमारा जो अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस 75 साल पूरा करने जा रहा है 15 अगस्त को, तो हमें ये आदेश मिला था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से ही। और ये बड़ी अच्छी बात है, सम्मान की बात है कि जो किसान इस फरीदाबाद कृषि विज्ञान केंद्र से 20, 25, 30 सालों से जुड़े हुए हैं और जो 75 साल पूरा कर चुके हैं उनको आज हमें सम्मानित करते हुए बड़ा हर्ष और वो हर्ष का विषय है और बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताना चाहेंगे मोदी जी के आह्वान पर आप लोग कर रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ समाचार चैनल का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, तो आज प्रजा भी वही धर्म निभा रही है जैसा हमारे राजा प्रधानमान्य प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे संगठन और विशेषकर अपने कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त अधिकारी और यहाँ का पुलिस बल, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि संगठन, किसान और अधिकारी समन्वय के साथ में आज हम एक यात्रा, तिरंगा यात्रा, एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि जो हर घर तिरंगा अभियान है उसके लिए हम, ठीक है, यहाँ पर 100 लोगों को 150 लोगों को लेकर के चलेंगे, बशर्ते वो एक मैसेज है समाज के लिए, हर बच्चे बच्चे के लिए कि वो अपने घर पे जा कर के तिरंगा जरूर लगाए। दूसरा, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया कि जो 75वीं वर्ष में है उनका यहाँ सम्मान किया, क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव है और उसके लिए 75 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, नचौली की सरदारी है, जसाने की है, मंझावली की है, चीरसी है, अपना भोपानी है, खेड़ी है, मंझावली, ताजुपुर है, तो ऐसे करके भादरपुर है, तो सभी यहाँ पे लोगों को बुलाया, किसानों को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरा तो आहार ही ये है, सच्चाई तो ये है, मैं इन्हीं के लिए जीता हूँ और इन्हीं के लिए मरता हूँ हमेशा से ही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने जो अभी, और उसका श्रेय मुझे दिया, ये और भी अच्छी बात है कि किसी आदमी के नाम की तालियाँ बजे तो उसे खुद को भी अच्छा लगता है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा समाज के लिए कि जो लोग कहते हैं कि खाली चरखे से आज़ादी आई थी, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर इतने लाखों लोगों ने की तो ऑथेंटिक खांसियाँ हैं और जो कितने युवाओं ने इसमें शहादतें दी हैं बहुत ही अथक प्रयास से, सर्वोच्च बलिदान करने वालों के लिए जिन्होंने दिया था, उसकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज इस तिरंगे के नाम से हम उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि जिनके जो अनगिनत, जिनका हमें पता भी नहीं है, जहाँ इनका, जिनका इतिहास में भी नाम नहीं है,
उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी थी, हमारे अपने बुजुर्गों के लिए, तो उनको भी मैं एक यात्रा से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी किसान भाइयों का कि उन्होंने इस यात्रा में जो चार चांद लगाए हैं उनके हम सदैव आभारी रहेंगे। और अब इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। क्या रूट है सर इस यात्रा का? यहाँ से शुरू करके गांव नचौली होते हुए गांव जसाना क्रॉस करने के बाद इसका समापन करेंगे। बहुत ही छोटा सा रूप लिया है, सिर्फ ग्रामीण आंचल में ये चीज जरूर जाए कि हर घर तिरंगा लगे। सर एक चीज और जानना चाहूंगी, बल्लभगढ़ के शाहजहांपुर के एक बच्चे का, एक जवान का शहीद हुए, कैसे संवेदनाएं व्यक्त करेंगे? देखो, जो जिस युवा ने हमारे देश के लिए शहादत दी है उसके लिए तो हम जितना कुछ कहें वो यानी शब्द कोश हमारे पास नहीं है कि हम कितना उनके लिए करें। हाँ, मैं तो यही बात कहूँगा कि उनके परिवार को परमात्मा वो शक्ति प्रदान करे, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर सर्वोच्च बलिदान किया है, ऐसे परिवार के लिए परमात्मा उन्हें उस शिखर पर पहुँचाए, खूब ढेर सारी तरक्कियाँ दें, क्योंकि जो जीव जा चुका है वो वापस नहीं आने का। और समस्त समाज की तरफ से, समस्त संगठन की तरफ से मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनके पार्थिव शरीर में हम जरूर शामिल होंगे। जैसा कि सूचना मिली थी कि आज उनका शरीर आ रहा है, तो हम सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करेंगे, सभी संगठन से भी करेंगे कि वहां जरूर जाएं और उनके सम्मान में भारत माँ के जय घोष, वंदे मातरम के जय घोष जरूर लगाएं, क्योंकि तिरंगा में आने वाली बॉडी कोई सामान्य नहीं होती, कोई असामान्य है। और सदैव परमात्मा उन्हें उस शिखर, क्योंकि उन्होंने देश के लिए नाम किया है और देश के लिए अपना ही नहीं हमारे फरीदाबाद का नाम किया है, और अभी आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो उनका शरीर पूरा हुआ, तो बहुत ही दुखद घटना है। परंतु उनके लिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और समस्त समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है वो एक सराहनीय है।